नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम युद्ध के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सेनाएं सभी हालातों से निपटने के लिए तैयार हैं। सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वह डिफेंस मिनिस्टर सहित DRDO में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ग्वालियर में महाराजपुरा एयरबेस का निरीक्षण करते हुए ये बातें कही केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद मंत्री निर्मला सीतारमण वायु, जल और थल सेना के अधिकारियों से लेकर जवानों तक संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ग्वालियर एयरक्राफ्ट की सराहना करते हुए वायु सेना के हवाई करतब और गतिविधियां देखने के बाद उन्होंने कहा कि वो इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर करेंगे। प्रोग्राम के साथ में एयरबेस या नेवल बेस या तो फ्रंट लाइन में जो हमारे वॉरियर्स हैं उनसे मिलने के लिए लगातार कोशिश कर रही हूं। मेरा शेड्यूल में भी इसको बहुत ध्यान देते हैं, शेड्यूल फिक्स हो जाता है। जैसे कि आज वाराणसी में ODF फ्री स्वच्छता अभियान के लिए। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।